लद्दाख स्थित गलवान वैली को लेकर भारत और चीन के बीच का विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी गलवान घाटी में हाल ही में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच गलवान घाटी को लेकर चीन ने बयान जारी किया है। चीन ने कहा है कि गलवान घाटी LAC के दूसरी तरफ यानी चीन के क्षेत्र में है। चीन ने कहा है कि गलवान घाटी LAC के दूसरी तरफ यानी चीन के क्षेत्र में है और भारत ने चीनी सीमा पार कर गलवान वैली में सैनिकों की तैनाती की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि गलवान घाटी LAC के चीन के दायरे में है। यह चीन का हिस्सा है और कई सालों से चीनी सैनिक यहां तैनात होकर इसकी सुरक्षा के लिए गश्त कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन का हिस्सा होने के बाद भी भारत गलवान घाटी में सीमा के चीनी भाग में घुस गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दोनों देशों के बीच कमांडो लेवल पर तय किए गए समझौते को भारत ने तोड़ते हुए सीमा में एंट्री की। ऐसे में जानबूझकर हालात खराब किए गए हैं। एक और बड़ा दावा करते हुए उन्होंने बताया कि 5 मई को हुई झड़प के दौरान भारत की सेना ने चीन सीमा में घुसकर रातों रात बंकर और बैरिकेड्स बना दिए। ऐसा चीनी सैनिकों को पेट्रोलिंग करने से रोकने के लिए किया गया। 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर चीन ने आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिक जब गलवान घाटी में घुसे तो चीनी सेना के अधिकारी उनसे बात करने पहुंचे, इस पर भारतीय सैनिकों ने हमला कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से झड़प हो गई। चीन ने अपने प्रेस नोट में ये भी कहा है कि भारतीय सेना ने चीन को कमतर समझते हुए सीमा में एडवेंचर एक्ट किया और ड्यूटी निभा रहे चीनी सैनिकों की जान खतरे में डाली। भारत ने दोनों देशों के बीच के सीमा समझौते का उल्लंघन किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उल्लंघन है। LAC पर भारत के सड़क निर्माण कार्य पर भी चीन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत अप्रैल 2020 से गलवान घाटी में सड़क पुल निर्माण करवा रहा है। इसे लेकर चीन कई बार विरोध जता चुका है, इसके बावजूद भारतीय सेना सीमा पार करके हमें भड़का रही है। वीडियो डेस्क न्यूज़ ट्रैक.com